अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काजिम और हमें पाकिस्तानी ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ड्रामों को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। ये भी तो हो सकता है कि जो कुछ तुमने देखा हो वो तुम्हें दिखाया गया हो। मुझे तंजीला के कमरे में भेजा गया था, मैं खुद नहीं गया था। तंजीला के कमरे में मुझे जारा ने भेजा था। हां, जारा ने। मामा, एक बात कहो। कहो। जिन्हें इतना टूट कर चाह जाए, क्या उन्हें जरा भी चाहने वाले की मोहब्बत का एहसास नहीं होता? उस मोहब्बत की शिद्दत का एहसास नहीं होता? मुझे शगुफ्ता की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है कि आनिया ही उसकी बहू बने। क्या? हाँ, उस तंजीला के ऊपर तो झूठा इल्जाम लगा के हमने उसको घर से निकलवा दिया। हम इस आनिया का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने तंजीला से इतनी मोहब्बत की। उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मामा, मुझे एक इस सवाल ने बेचैन करके रखा हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए। देखो, जिन सवालों के जवाब ना मिल पाए ना, बेहतर है इंसान उसे भूल जाए। और मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ भुलाकर इस वक्त अपने आप पर और हमारे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे बाबा के जाने के बाद हमारे बिजनेस ने बहुत सफर किया। और रिलैक्स रिलैक्स, जाकर सो जाओ। मुझे पूरा यकीन है शगुफ्ता को हमारे पे शक हो गया है। इसका मतलब कि खाला को सब पता चल गया है? हाँ। मामा, मुझे नहीं लगता कि खाला ने हमारी बातें सुनी है। अगर ऐसा होता तो वो अब तक खामोश क्यों होती? मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, वो मेरी बहन है, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो कितनी परेशान है। आपा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ, कहो, क्या बात है? वो मैं बस ये कहना चाह रही थी कि आप बच्चों को लेकर हमारे दूसरे ब्लॉक वाले घर में शिफ्ट हो जाए प्लीज। खैरियत, ऐसा क्यों कह रही हो? आपको पता है ना आपा, आदर कितना स्ट्रेस में है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा मेरा बेटा। आप लोगों की मौजूदगी में इस घर में वो बहुत सफोकेटेड, घुटा घुटा सा महसूस करता है। आई थिंक आप लोग आज अपनी पैकिंग कर लें
कल सुबह ड्राइवर आपको छोड़ा है। घुटन महसूस होती है? आते मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ की तरह हूँ, और माँ की मौजूदगी में बेटे को कभी घुटन नहीं होती, सुकून होता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए उसे ऐसा सुकून। आप बस चलिए, मैं वो सब कुछ दोहराना नहीं चाहती जो कुछ मैंने सुना है। आपा, क्या सुन चुकी हो? आपा, आपने मेरे बेटे को आतिर को पैसे के लालच में अगवा करवाया? कोई अपने बेटे को ऐसे ऐसे तकलीफ देता है, ऐसे अगवा करवाता है? बताए मुझे। और तंजीला, उसके साथ आपने क्या किया? जो कुछ आपने तंजीला के साथ किया ना, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा उस सब के लिए। अच्छा, और जो कुछ तुमने तंजीला के साथ किया था वो सब जायज था? मैं जायज नाजायज के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। बस इतना कह रही हूं, आप अपना सामान पैक करें, कल मेरा घर छोड़कर चली जाए। दैट्स इट। मैं भी देख लूंगी किसकी हिम्मत है मुझे यहां से निकालने की। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। आखिर आपने हमारी सारी बातें सुनी थी, मैं और क्या करती? और आपका जिंदा इस घर से बाहर जाना पड़ता, जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। लेकिन अब होगा क्या? होगा क्या, इनके अकलौते बेटे को इतना कहेंगे, सिंपल। हेलो आतिर भाई, आतिर भाई आप कहाँ हैं? खाला सीढ़ियों से गिर गई हैं, बहुत चोट लगी है उन्हें। क्या ये क्या कह रहे हो? जी आतिर भाई मैं ठीक कह रहा हूँ। आतिर भाई मैं खाला को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ, प्लीज वहां आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है मैं आ रहा। प्यारी खाला, क्या हुआ था खाला, यूं अचानक मामा सीढ़ियों से कैसे गिर गए? देखो मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने एकदम आवाज सुनी और मैं गई, और वो जख्मी हालत में गिरी भी थी। हमाद, क्या हुआ था मामा को, ज्यादा चोट तो नहीं आई? जब हॉस्पिटल लेकर आए थे मामा को, कैसी थी वो? आतिर भाई अब ये तो डॉक्टर ही बता सकता है।
मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूँ, सब कुछ खो चुका हूँ। मामा को खोने की हिम्मत नहीं मेरे में। मामा को कुछ नहीं होना चाहिए। आतिर कुछ नहीं होगा आंटी को, तुम हिम्मत रखो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक होंगी? हाँ इंशाल्लाह, मामा को कुछ नहीं होगा, मामा बिल्कुल ठीक होंगी। क्या हुआ मामा को, कैसी है मेरी मामा? देखिए जब उन्हें यहाँ लाया गया तो उनकी आखिरी सांसें चल रही। I'm sorry, हम उन्हें नहीं बचा। क्या बात है, आज बड़े मस्के लगाए जा रहे हैं मुझे। अम्मा वो मैं कह रहा था कि मेरी शादी के बारे में कुछ सोचो ना। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए, इस घर में भी बहू आ जाए। अल्लाह गवाह, काम कर करके तो मैं थक गई हूँ, मगर क्या करूँ, जहाँ जाती हूँ बात ही नहीं बनती और जहाँ बात बनती है तेरे नखरे नहीं मिलते। अम्मा उन सब का छोड़, अपनी पड़ोसन का सोचना। पड़ोस वाली? कौन सी पड़ोस वाली? अम्मा वही तंजीला, शबू चाचा की भतीजी। अरे उस तलाक याफ्ता की बात कर रहा है तू? देखा नहीं तूने कैसे शकुर भाई के घर में नहुसत फैला रखी है उसने। पहले फैसल की शादी तुड़वाई और फिर खुद तलाक लेकर आ गई। आते ही शकूर भाई को ले डूबी। ना बाबा ना, ऐसी लड़की को तो मैं अपने घर की बहू बनाने से रही। तो क्या हुआ अम्मा, तलाक वालियों की शादी नहीं होती क्या? अम्मा मान जाना, मुझे वो बहुत पसंद है। तो उसकी सारी खामियों को भूल कर ये देख वो कितनी खूबसूरत है, कितनी सलीके वाली है। शकूर चाचा का सारा घर उसने अकेले संभाल रखा है। खानदान में तेरी कितनी वाह होगी। ये बात तो तूने ठीक कही, मगर एक बात है, अगर वो ना मानी और पहले की तरह मेरी बेइज्जती कर दी तो? अम्मा अब वो मना नहीं करेगी। क्यों? अब तो उसे तलाक हो गई है, कौन करेगा उससे शादी। बात तो तेरी ठीक है, वैसे है तो तू भी निखट्टू। तीन दिन हो गए शगुफ्ता को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए, अभी भी लगता है किसी कमरे से आ जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी बहन इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली गई है। भी यकीन नहीं आ रहा, आंटी सीढ़ियों से गिर गई। समझ नहीं आ रहा वो सीढ़ियों से गिरी कैसे। बेटा ये तो ऊपर वाले के काम है, जिसकी जितनी लिखी होती है बस वो उतना ही जीता है। ये हादसे तो बहाना होते हैं,
मौत तो बरहक है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। इसे ना कोई रोक सकता है ना टाल सकता है। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। पहले बाबा छोड़कर चले गए, फिर तंजीला, और अब मामा छोड़कर वहशत होने लगी मुझे इस घर से, इस घर की फिजा से। कैसी बातें कर रहे हो आतिर? ये तुम्हारा घर है, तुम अपने आप को अकेला मत महसूस करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ की तरह हूं, और हमाद तुम्हारा छोटा भाई है। फिर जारा भी तो है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करना। आतिर, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। हौसला करो यार, मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी हो सके ऑफिस ज्वाइन करो, ताकि तुम इस दर्द से बाहर निकल सको। तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारी जरूरत है। अंकल के चले जाने के बाद तुमने ही अपने बिजनेस को आगे लेकर चलना है। कैसी बातें कर रहे हो उस्मान? जिस इंसान की जिंदगी लम्हों में उजड़ गई हो, बिजनेस, काम, सबके बारे में कैसे सोचे? सदमे में है, उसे सदमे से निकलने के लिए अभी कुछ वक्त चाहिए। आतिर बेटा, तुम बिल्कुल बिजनेस की फिक्र मत करो। हमाद है ना, वो अभी काम संभाल लेगा। हमाद बेटा, तुम कल से भाई के ऑफिस जाना शुरू कर दो। आतिर भाई, आप खुद को अकेला मत समझो, मैं हमेशा हर हाल में आपके साथ हूं। आप अकेले नहीं हैं। क्या एक अकेली लड़की इस माशरे में जिंदगी नहीं गुजार सकती? क्या एक तलाक याफ्ता लड़की रास्ते में पड़ी चीज जैसी है? तुम्हें भी कुछ ऐसे ही करना है, कुछ ऐसा करना है कि तंजीला की जिंदगी उस घर में अजाब बन जाए, उसके घर की जमीन उस पर तंग पड़ जाए। आप ऐसा क्यों चाह रही है? तुम बस ही मेरा काम करो और फिर देखना, तुम्हारा मुंह नोटों से भर दूंगी।